तो हेलो गाइस, इस चैनल के पहले वीडियो में आप देखने वाले हैं कावाकी के बारे में छोटी सी जानकारी, एके लाइफ ऑफ कावाकी उज़ुमाकी, आई मीन ओनली कावाकी। तो भाई, अब कावाकी के बारे में किसको नहीं पता, लोग उसको सासुके उचीहा का सक्सेसर भी बोलते हैं। एंड यू नो कि वो मांगा में क्या तहलका मचा रहा है, और एनिमे में भी, मतलब इन द एनिमे फिलहाल वो ट्रैश है बोरुटो की तरह। सो ये वीडियो उनके लिए है जिनको मालूम नहीं कि कावाकी कौन है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको मालूम है कि कावाकी एक वेसल था। आप भी ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि जब कावाकी छोटा था, देखते हैं वो क्या था। तो बचपन में कावाकी एक जंगल में काम करता था, मींस वो लकड़हारा था जो कि लकड़ियां तोड़ता था पेड़ से, आई मीन कटे हुए पेड़ से, और उन्हें वो कहीं पर जाकर बेचता था। बचपन में वो बहुत मेहनत करता था क्योंकि उसे मां नहीं थी। तो वो जाता है और एक दुकानदार को लकड़ियां बेचता है, बट दुकानदार उसे कम पैसे देता है क्योंकि लकड़ियां भी छोटी थी। सो आपको लग रहा होगा कि कावाकी अपने गुजारे के लिए पैसे जमा कर रहा है, बट नहीं, वो जाता है दारू खरीदने। राजा जी, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वो अपने डैड के लिए दारू खरीदता है। तो घर जाते जाते उसे गोल्ड फिश का दुकान दिखता है जिसमें गोल्ड फिश होती है, और वो उस गोल्ड फिश को देखता ही रहता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास भी एक होती। दिन वो गोल्ड फिश का दुकानदार कहता है कि क्या तुम्हें गोल्ड फिश चाहिए। दिन कावाकी उसे मना कर देता है, और वो उसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं उन्हें खरीद नहीं सकता, और ये भी कहता है कि मुझे घर जाना होगा जल्दी, नहीं तो मेरे डैड मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। लोग कावाकी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो बस इतना जानते थे कि वो एक नॉर्मल सा लड़का है जो कि अपने शराबी बाप के साथ रहता है। तो घर जाते जाते कावाकी को वो गोल्ड फिश वाला एक गोल्ड फिश का स्टिकर देता है गोल्ड फिश के याद में। सो देन कावाकी घर पर जाता है शराब लेकर अपने डैड के लिए, एंड देन वो अपने डैड को शराब देता है, बट शराब बहुत थोड़ी सी थी इसलिए उसके डैड कहते हैं कि ये क्या लाया तुमने, इतनी शराब में मेरा क्या होगा, तुम काम धंधे आजकल कम करने लगे हो क्या। सो उसके डैड उसका स्टिकर देख लेते हैं गोल्ड फिश वाला, और कहते हैं कि तुम इस चक्कर में पड़कर अपना काम कम कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब मुझसे छुपाने की। सो पहली बात, आदमी शराबी है इसलिए गुस्से में आकर वो उस गोल्ड फिश का स्टिकर को फाड़ देता है, और कहता है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और उसे कहता है कि जाओ सो जाओ। सो कावाकी विलेज में किसी से बात भी नहीं करता था। सो एक बार क्या होता है, विलेज में कुछ लोग आते हैं और उससे पूछते हैं तुम इस विलेज के बारे में बताओगे। सो भाग जाता है, कुछ नहीं बताता। वो आदमी कहता है रुक जा, हमारा किडनैप थोड़ी कर रहा हूँ तुझे। तो भागते भागते वो कुछ बुरे बच्चों के सामने आ जाता है। अरे तो वही उसी बेवड़े का बेटा है, शायद इन दोनों में झगड़ा हुआ इसीलिए भाग रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, गवारो मुंह बंद रखो अपना। अबे भूतनी के गाली देता है हमें। हाँ बट चलो भागो यहाँ से, क्यों उस बच्चे को परेशान कर रहे हो। ऐसा वो गोल्ड फिश वाला कहता है, और बाद में हम देखते हैं कि कावाकी उसे छोड़कर भाग जाता है और उसको थैंक यू भी नहीं बोलता, और इसी भाग दौड़ में वो शराब की बोतल फोड़ देता है और उसकी सारी शराब गिरा देता है। जब घर पर वो ऐसा दिखाता है तो उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं, एंड देन वो उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पागल, तूने सारी शराब गिरा दी और अब तुझे मैं बंद कर दूंगा, और वो उसे खींच कर ले जाकर एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं, और वो कहता है कि डैड मुझे बाहर निकालो प्लीज, यहाँ पर अंधेरा है। पर उसके डैड नहीं सुनते, दरवाजे पर कोई आता है और वो देखते हैं कि कौन आया है। तभी हम देखते हैं कि एंट्री होती है जिगेन की, और वो कावाकी को मांगने आया था अपनी रिसर्च के लिए, और वो कावाकी के डैड के साथ एक सौदा करते हैं कि तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, इस बच्चे को मुझे दे दो। अरे इस बेवकूफ बच्चे के लिए इतने सारे पैसे कौन दे सकता है, कोई बात नहीं मुझे तो मिल रहा है, ले लो इस बच्चे को, मुझे नहीं चाहिए, ये वैसे भी कुछ काम का नहीं है ये। ऐसा उसके डैड कहते हैं और उसके सिर पर बोतल मारते हैं जिससे कि कावाकी बेहोश हो जाता है ताकि उसके आगे की बात के बारे में कुछ मालूम न पड़े। उसके बाद हम देखते हैं सो कावाकी के डैड उस जिगेन से पूछते हैं कि तुम इस बच्चे का करोगे क्या, ये बच्चा कुछ काम का नहीं है और इसका कुछ हो नहीं सकता, बेकार है ये। तो देन जिगेन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है क्योंकि खून ही गंदा है साला। तो जिगेन अपनी पैसों की बैग ऊपर लेता है और कावाकी के डैड के हाथ में सौंप देता है। उसके बाद कावाकी के डैड कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे इस बच्चे के बदले। देन जिगेन अपना केप हटाता है और दिखाता है कि उसको कितने कम बाल है, और वो कावाकी से कहता है कि मैं अब से तुम्हारा पापा हो। देन जिगेन उसे रात में गुफा में ले जाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे वो गोल्ड फिश वाला भी आता है और कहता है कि इस बच्चे के साथ तुम क्या करने वाले हो, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि जिगेन और वो गोल्ड फिश वाला फाइट करने लगते हैं। देन गोल्ड फिश वाला कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, इस आदमी को मैं संभाल लूंगा। बट तभी वो गोल्ड फिश वाले को मार देता है और जिगेन कावाकी को लेकर एक जगह पर आता है। वो जगह जिगेन की रिसर्च लैब होती है जहाँ पर अलग अलग बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं कारमा ट्राई करने के लिए, और फिर वो कावाकी से कहता है कि ये एक सेफ प्लेस
प्लेस है, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सुरक्षित हो। और वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपना पापा मानोगे तो मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट दूंगा जो कि मेरे पास भी है, जिससे कि तुम पावरफुल हो जाओगे। और तभी बाद में कावाकी के ऊपर वो कारमा चढ़ा देता है। एंड देन बाद में आपकी स्टोरी तो आपको मालूम है कि वो नारुतो के पास जाता है और नारुतो उसको जिगेन से बचाने में हेल्प करता है। एंड देन वो जिगेन से बच जाता है एंड बाद में नारुतो के साथ रहने लगता है और उसके बाद वो नारुतो की फैमिली का एक हिस्सा हो जाता है। सो अगर आपने मांगा पड़ी हो तो आपको मालूम होगा कि कावाकी कोनोहा विलेज के साथ रहकर जो आने वाले विलन से उनसे विलेज को बचाता है। एंड यू नो बोरुटो मांगा में विलन कौन है? None other than code, और उसी से कावाकी अपने विलेज को बचाता है। सो गाइस यही थी लाइफ ऑफ कावाकी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, कमेंट में ये भी बताओ कि अगली लाइफ ऑफ वीडियो किस पर होनी चाहिए। मैं मिलूंगा तुम्हें ऐसी किसी लाइफ ऑफ वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।